ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुण्वन्ति दिव्य स्तवै ऋग्वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं जोगिनो जस्यन्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमस्कार, स्वागत करुछि आपण मानंकु आम प्रार्थना तर्कालंकर कार्यक्रम को। विषय वस्तु को नहीं तर्क आउ तर्करु सिद्धांत, यही तो आम कार्यक्रम लक्ष्य आउ उद्देश्य। प्रार्थना तर्कालंकर रे आजिर विषय वस्तु को सिद्ध करिवा पाई आम मानक गहन रे अछंती समीक्षक रूप रे पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमान गहन रे अछंती पंडित लंबोदर बेहरा। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ। आमान गहन रे अछंती गायक पंडित गोपाल कृष्ण जेना महोदय। जय जगन्नाथ। नमस्कार। आमान गहन रे अछंती युव गायक पंडित अभिराम शतपथी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भगवान सूर्यदेवंकर से होचंती वरदान, ऋषि दुर्वासंकर सेवार से होचंती पुण्य फल, किंतु मां कुंतींकर से ही गले अवांछित गर्भ, सेथिपाई से समाज रे अन्य मानंको आखिरे पड़िले काले कलंकर टीका पालटी जिवे, सेथिपाई मां तांकु पानी रे भसेई देले। जन्म कहार अधीन रे न थाए, किंतु कर्म निजर अधीन रे थाए। कर्म को निज अधीन रे रखी मनीष निज चरित्र सठिक भाव रे गठन करी पारे। एक थारे आपण माने भी विश्वास करूथिबे, मु भी विश्वास करे, किंतु आजिर सिद्धांत निरूपण करिबा को चेष्टा करिबा। कर्ण जणे सच्चरित्र व्यक्ति ना जणे दुश्चरित्र व्यक्ति? कर्णंक चरित्रर मूल्यायन करिबा पई मु पंडित लंबोदर जी को पचारिबी। वसुसेण नाम तांकर देय राधा पाली बारु नाम राधेय कन्या कानु जन्मी बारु मु कर्ण ये परिविहिले विविध वर्ण विचित्र जन्मजातक जांकर जन्मजातक होची विचित्र दुर्वासंकर प्रदत्त माली धरी कन्या काल रे कुंत भोज वाली कुंती जहांकु कर्ण पार्श्वरे जन्म दियंती एवं राजा अधिरथ तंकु पाई नियंती एवं तंकर पत्नी राधा तंकु पालन करंती। सेई नामानुसारे तंकर नाम हि जाए राधेय। वसुसेण नाम तंकर देय राधा पालिबारु नाम राधेय कन्या कानु जन्मिबारु कर्ण कन्यार कानरु जन्म हितबारु तंकर नाम होउचि कर्ण। एई परिप्रेक्षीरे कर्ण भी दिने कहिथिले दैवाय च कुळे जन्म मदाय च पौरुष किए केउठी जन्म हबो ता दैव अधीन, किंतु पौरुष्यता कर्मता निज उपर निर्भर करे। सेई होउछंती कर्ण जाहांकर जन्मरु विवाद घर भितर आसी जांती कर्ण, किंतु परवर्ती पर्याय रे गोटे राजमातांग गर्भरु जन्म होइथिले मध्य गोटे सारथीर पुत्र होई परिचित हुवंती, तेणु तांकु बहुत लांछना सहिबाकु पड़े। ये तो तांको जन्म वृत्तांतर कथा, मु किंतु सीधासळक जेउ कथा आपण कहिले पौरुष अधीन आमर कर्म अधीन आमर कौन केमिति कर्ण जीवन बंचिले कर्णंक चरित्र उपरे अनेक दोष काहीकि लागे? कर्णंकर जन्म वृत्तांत तो एक स्वतंत्र कथा, किंतु तांकर कर्म को नहीं से आज पुराण पृष्ठरे समाज रे प्रतिष्ठा अर्जन करिसंत। अश्वस्थ महावृक्षस्य उत्पत्ति काक विष्ठया गुणेन पूजित सर्वे कुळेन किं प्रयोजत। किंतु कर्ण एभळे एक चरित्र समाज रे से दुर्योधन परम बंधु भाव प्रतिष्ठा अर्जन कले। जड़े बंधुर कर्तव्य
उत्सवे वेशनेश्च इव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यतिष्ठति सबान्धव। किंतु कर्णक सहायतार दुर्योधन बेलुक बल अत्यंत अन्याय करिवक बढ़ी चलला। बंधुर ता कर्तव्य नुह। दुर्योधन जड़े कुसंगी जड़े अधर्म मार्गीय हेला बेले कर्ण तांको अधिक खुरक जगाइले जहाँ को तपस्विनी मेहर कही कुसंगु बळी नाही जगते पाप कुसंगी संगे मिले घोर संताप हे घोर संताप। जणे बंधुर कर्तव्य जणे बंधु को सत्मार्ग को आणिमा। किंतु कर्णक पाई दुर्योधन बेळुक बळ अन्यायर चरम सीमार निजर शासन को बढ़े चलिले। गोपाल कृष्ण जी कहिले कर्ण कुसंग पलटि गले दुर्योधन तेणु तंकर कुमति अधिक परिवर्तित है। आपण कौन कहिबे? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ये महाभारत अलौकिक चरित्र मानक भितर कर्ण चरित्र एक स्वतंत्र चरित्र जहाँ आमर पूज्य बड़ भाई उपस्थापन कले हुए तो कर्णर निर्देश क्रमे दुर्योधन पथभ्रष्ट होना एक केवे नुह। गोटे बंधुर कर्तव्य सदा सर्वदा कर्ण स्वीकार करवरे पांचटी कारण कर्ण पाखे पर दुर्योधन निकटने कौन जोबले पांडव मैने अन्य माने कुछा रटना करुले कर्ण को सुतपुत्र इंगित निर्देश करुले दुर्योधन ताकू आपणार बोली भाभी आपणार करी तेणु चिंता कला असम्मानित समय रे जी स्वाभिमान आत्मसम्मान रक्षा करी पारी से ही महान तेणु से ही न्याय रे सदा सर्वदा दुर्योधन निकटवर्ती रहिला एवं कहिला जार गुणे दाना भक्षिली कर्म करित काल जीवन बंची न्याय रे यही अटे सयल सयल कहले पृथ्वी ए पृथ्वी रे प्रकृत कर्तव्य जी तुमको आहापदे एवं तुम प्रति कर्तव्य बोध संपादित करापी कर्तव्य कर जहाँ प्रत्येक स्तर रे कर्ण चरित्र भितर प्रतिबिंबित होता प्रतिफलित होता कारण मित्रद्रोही कृतज्ञश्च जे नरा विश्वासघात का ते नरा नरके जाती जावश्चंद्र दिवाकर कालिदासंकर श्लोक मन पड़े जे मित्रद्रोही जे पर्यंत सूर्य चंद्र आतजात होती ता जीवन केवेहले शांति परिप्रकाशित हो पारे ना। मित्रद्रोही नमुच्यते मित्रद्रोही केवेहले उपयुक्त स्थान पाई पारे ना। तेणु से ही चरित्र को आखि आगे रखी कर्ण प्रत्येक मुहूर्त में मैत्रवत आचरण करुथिले तो कर्ण मैत्रवत आचरण करुथिले किंतु व्यासंक संस्कृत भारत जदि आप देखती दुर्योधन मनुमय महाद्रुम स्कंद कर्ण शकुनी सतस्य शाखा दुशासन पत्र पुष्प समृद्धे तेणु मुठी कहार अर्थ जदिओ मैत्रपण को न भूली विपद समय रे ठिया होता दुर्योधन सहायता देते कर्ण आर पार्श्वरे गोटे मनुमय बा अधर्म वृक्ष बा अहंकारी वृक्षर मूल ये खोराक जगौते से होती कर्ण आपड़ गोटे पद मुझे जोड़ी देवा चाहूँगी जणकर स्वार्थ सिद्धि पाई सी जदि जन को व्यवहार कला से किसी बड़पण ना दुर्योधन देखला पांडव मान भितर धनुर्धर होती अर्जुन अर्जुन सहित टक्कर देला भली जदि जड़े किए योद्धा थाए से कर्ण तेणु कर्ण जदि सामाजिक भाव दुर्बल स्थित अच्छी जो जाति भेदर कथा आम कहचे तेल मुझ कर्ण को उच्च पदर रखिदेवी क्षेत्रीय करने अंगराज करदे तेणु से तार स्वार्थ सिद्धिपी अंगराज कला कर्ण ताकू जदि सहायता भाभी बा मित्रर बड़पण भाभी मित्र को अन्याय रास्त सहयोग करे ए कर्णर बड़पण कौन रहा आपण थे भावतु आप जो कथा कहते यथार्थ जे किंतु आपण थे विचार करतु जोबले कर्ण जन्म हेले सूर्यंकर दुर्वासा प्रदत्त माल नहीं कुंती जोबले सूर्य को स्मरण कले सूर्य को स्मरण पूर्वक सूर्यंकर रेतरु तेजरु संभूत हेले कर्ण
ताकु मंजूषारे भसई देले निजे गोटाए अस्तित्व प्रदान करि पारिलेनि काई चाहिथले कोन कुंती देई पारिनो थांते परिचय कुंती भी अन्याय कले जतेबेले मंजूषारे भसई देले अधीरथ तांकु नै पालन कले तांको पाखरे बंचले दुर्योधन ता परे जानिले जे कर्ण पाखरे एते सामर्थ्य किंतु प्रति मुहूर्त रे कर्ण प्रत्येक मुहूर्त रे निंदित अपमानित निष्पेषित अवस्था रे थिला काहे कि तार कोन व्यक्तित्व नाही एथरे तार अपराध कोन जदी कर्ण आरंभ रु मु स्पष्ट करिछि जन्म जणक आयत्त रे नाही को घरे जन्म हबो किपर जन्म हम नारी हम कि पुरुष हम डेगा हम कि गेड़ा हम कुंचु कुंचिया चुट्टी हम कि लंब लंब चुट्टी हम ये सबू आम आयत्तर ना कि जन्म पर आम आमर विद्वत्ता को वृद्धि करवा आम जीवन साधन को वृद्धि करवा भल मंद को बाछी भल को ग्रहण कर मंद को छाड़ा एगुड़ा तो आम आयत्तर अच्छी ना देखु दुईट कथा पंडित अभिराम जी कहले मुझे दुईट कथा सहित एकमत नुह गोटे कथा कहले कुंती अन्याय कर कर्णक प्रति ना तत्कालीन समाज स्थिति जड़े कन्या अवस्था रे पुत्र संभव हेबा परे ताहा बा कर्ण को नहीं नदी में भसेबा मंजूषा को नदी में भसेबा व्यतिरक आउ किछि नथिला अनन्य उपाय तेणु कुंती निज आत्ममर्यादा को रक्षा करने को जाई बा कलंगर टीका केमती न लगू से मंजूषारे नदी में भसई देते प्राण तो चली जीवन बंचव कि मर से कुंती जो पुत्र को देखने ले एवं से स्वयं सूर्यंकर स्वयं व्यति सूर्यंकर प्रतिभु एवं जानिनेले ता देहरे जन्मरु से स्वर्णर वर्त्म पिंधिछि बा कवचकुंडल परिधान करिछन्ति से जानिछन्ति मो पर किछि क्षति होबनि आउ द्वितीय कथा मु प्रथमरु कहिथिली कर्ण जणे मिथ्सु मित्र नुह एवं से भी मित्रद्रोही एइथि पई कहिबी से शेष समय रे निजर मित्र अंतरंग जहाँ को से बेसी भल पाती जहाँ सपक्षर से एत कथा करिछन्ति दुर्योधन को मिछ कहिछन्ति गुरु द्रोणाचार्य जिते विद्याशिक्षा को लाभ करुते गुरु द्रोणाचार्य को प्रश्न कले कारण गुरु द्रोण अपेक्षाकृत सर्वापेक्षा अर्जुन को बेसी भल पाते तेणु ब्रह्मास्त्र विद्या लाभ करने जिते निजे कर्ण गुरु द्रोणाचार्य को कही गुरु द्रोणाचार्य कहले केवल जड़े ब्राह्मण कि जड़े संयमी धीरोद्योत क्षत्रिय ही लाभ करपे किंतु कर्ण बड़ अड़ुआ पड़गले ना से क्षत्रिय ना से ब्राह्मण से सुतपुत्र समय आदेश अच्छी छोटिया विरतीटे नवापी विरति नवा पूर्वरु केवल एतिकि शुणिबाकु चाहिबि समीक्षक महाशय आमर एई आलोचना को केउं दृष्टिरे देखिबे कर्णक चरित्र अति गहन चरित्र सामाजिक कलंक भयरे कुंती तांकु मंजुसारे पुराई नदी रे भसेई देइछन्ति सिना किंतु से सुतपुत्र हेले भी मैंने सूतक द्वारा पालित तो हेले भी सी प्रकृतर सूर्यंकर पुत्र तेरे सूर्यंकर पुत्र हेले ब्राह्मण हेबे कि क्षत्रिय हेबे ताहा मध्य चिंतनीय जदि कर्ण परशुराम पाखरे मिछ कहिकिरि जाइकिरि कहि ब्राह्मण पुत्र बोली कहिछन ता मिछ बोली धरा जीवन काहेकि सूर्य संतान से सूर्य कोण ब्राह्मण नुहंती जो ब्राह्मण मैंने सूर्य को प्रणाम करती सूर्यनंदन कहीं ब्राह्मण हेबन पालित होती सूतंग द्वारा तेणु जेहेतु सामाजिक चलन हिसाब से सूतपुत्र निजक कही कि प्रकृतर से जहाँ प्रथम कही सत्य एक दुईरे कर्णक चरित्र आमे जिते दुर्गुण देखू जमीती कहले लंबोदर बेहरा महोदय जे दुर्योधन मनुम महाद्रुम स्कंध कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा कर्ण होचन्ति मन्यु माने क्रोध से क्रोधर ये होचन्ति स्कंध दुर्योधन एवं कर्णंकर भल पड़ा यह गोटे सौभाग्यवशत दैव जोगर होइछि जे जो समय रे जहाँ कहते जो समय रे कर्ण को आदौ प्रतियोगित क्षत्रिय मानकर धनुर्बाण प्रतियोगित भाग ने मना करागला सेते बड़े दुर्योधन कहले तुम्हें मोर मित्र आज तुमको अंग देश राजा कली तुम्हें राजा हिसाब से निश्चित भाव जोग दे पार इत्यादि तेरे कर्ण चरित्रे आम जहाँ देखु से कुसंगे पड़ी तर कुप्रभाव दुर्योधन कुप्रभाव कुसंगी हो कि बाध्य मित्रपी काम करने तेणु कि अपकर्म हो तथापि कर्णकर चरित्रे जिते सद्गुण रही अवर्णनीय विद्याशिक्षा लाभ करवा जनकर
समाज रे प्राथमिक अधिकार आपण मान देखुथिबे सरकार एबे नियम भी कर देइछंती एतिकी वर्ष जाए पिला माने मागणा रे निहाती शिक्षा पाइबे समाज रे प्रकृत रे एहा एक आवश्यकता सेतिरे पुणी कर्ण स्वयं कवच कुंडल धारण करी जन्म नेइछंती तेजमय सूर्यंकर से होउछंती अंश तेबे तांक भितरे युद्ध विद्या कौशल लाभ करिवा पई गोटे प्रवणता रहिबा किछि गोटा त्रुटिजुक्त कथा नुहे किंतु कुहा जाए तांको भितरे त्रुटि सेतिक बेले आसिला से जेते बेले मिथ्या कही गुरुंक पाखरे विद्या शिक्षा लाभ कले कौन आपनकु लागुछि अभिराम जी वास्तव रे मिछ कहि नांती को गुरुंक पाखरे से मिछ कहिले केतो बेले कहिले मिछ मोटे मिछ कहि नांती से विद्या शिक्षा अर्जन करने जाइंट गुरु किंतु प्रकारातर जाणिले जिते बड़े परशुराम एकदा शयन करणता कोड़े से सुहाई इतक बेले जंघ को गोटे कीटद्रष्ट करते जोर से कीटद्रष्ट कला रक्त धारा धारा छुटुचीतापर गुरु उठी जाइंट देखला कहले आरे तुम गोड़े कौन ये रक्त कौन ना आज्ञा मोरी गोड़ू ये रक्त निर्गत होच्छा गोड़ रक्त निर्गत होथच तुम्हें कहून तुमको कौन कष्ट ना काले आपणक निद्रा भांग सात जन शोला बे उठाती आम जो शास्त्रीय परंपरा भितर ता भितर गुरु अच्छा मुझे से संपर्क कहूनी जोबले ये कथा कहीदे से कहले आरे ये ब्राह्मणर नुह लक्षण कारण ब्राह्मण केवे सहिष्णुता प्रतीकारे पीड़ा सही पार एत पीड़ा सही पारे तार एत सामर्थ्य ना तेणु तुम्हें निश्चित भाव क्षत्रिय शौर्य तेज धृति दाक्ष युद्ध चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्मम स्वभाव जजा आपण आमर श्रीमद भगवत गीता प्रमाण दियंती सेठ से जाणिले तापर आउ गोटे कथा विद्या अर्जन करवा विद्या अटई महाधन बाड़के कर उपार्जन जदि आम शास्त्रीय कथा तेल विद्या अर्जन सहित पाप करने को जाती विद्या अर्जन करने को जाती जो मानसिकता थी आपको शिखेवा ताकू शिखेवा हे तो यह के यथार्थ जमीन सूर्यंकर किरण सामाजिक आवश्यकता नहीं थाई पारे गुरु चिंता करेंगे ये ताकु नेले ठीक बाटे लगे कि ना कारण युद्ध विद्या तो बंधुकटा मुझे जनक हाथ में देवी सी बड़ रूप से जा लड़ब ना ना कोई स्कूल कलेज पशिक क्या फुटेदेव ए भय थी तथा ए भय तो थी कि बास्तव में गुरु होती कथा मुझे रुचिकर मन है गुरु कष्ट जड़े शिष्य सहवापी प्रस्तुत हो गुरु को सेवा देवाई प्रस्तुत होेणु सी अभिशापर योग्य नुहे आपण कौन कह पंडित अभिराम शतपथी कथा एकमत हो पारुनी जड़े बाड़क पाखे विद्या शिक्षा करने एकांतार लक्ष्य कारण विद्या ददाति विनय विद्या मनिषर व्यवहार में परिवर्तन करे सबु परे भी जो पंडित जी कहले से मिछ कही ना तेल कौन कही जा से परशुराम जितेबले कहते बड़ भाईना ब्रह्मास्त्र विद्या से शिक्षा कर पारे अपमानित तो हेले से परशुराम को निकट को गले से परशुराम आगर शपथ करेतु से एक विंश बार क्षेत्री पृथ्वी निक्षेत्र कर क्षत्रिय को विद्या शिक्षा देवे ना से स्थल कर्ण हुए मो मतरे गुरु आगे से निजक अन्य परिचय दे से विद्या शिक्षा कर गुरु को शुणतु पंडित जी गुरु आगे कहले मिछ ब्रह्महत्या दोष लागे प्रत्यक्ष गुरु आगे मिथ्या कहवा ना आम शास्त्र कहती भगवान कहले मुहि बस ही गुरु देहे मो तो हूँ गुरु भीर्ण नुहे एघे नी गुरु भगवान गुरु हिसाब से ग्रहण कर पंडित जी ताजो सी एत धर्यर सह ये जो कीट दंश दंशन कला गुरु जाणिले मो शिष्य मत रक्षा करने को जा कीट दंशन मत रक्षा किंतु तत्पर कहीं रागिले जे कहले हे कर्ण तू मत जहा कह मिछ कह जो परिचय दे तु ये विद्या शिक्षा कलु तोर उपयुक्त बेले से विद्या मन पड़ब ना आपण कथार गोटे भल दिग मो पाखे पहुँचुची जे परशुराम जी दिव्य द्रष्टा साक्षात भगवान से मध्य अंश एवं ए सृष्टि से लीला करेणु से निश्चित रूप से कर्ण के आभिमुख्य संपर्क में परिचित होते कौन आगामी भविष्य में घटवाक जाए से हेत अभिशाप दे थे तेज आउ गोटे कथा मन को आसूची अंगराजर राजा हेले कर्ण बंधु हेले दुर्योधन द्रौपदी स्वयंवर बेले लाख बिंदिया को बाहर कहते दुर्योधन
बा बंधु तुम्हें अपेक्षा कर मु ए पण को साधी दे आसीबी एवं ए कन्या को तुमको अर्पण करी एटा केते दूर यथार्थ भल कथी आप उपस्थापन कले ये कथा पूर्व मु टिके से मिछ कह मर्मरे कह कर्ण मिछ कहते कर्ण पहुँची परिचय मागिछन्ति तमे किए से कर्ण कहते ब्राह्मण भार्गवस्मी मु एक भृगुवंशीय ब्राह्मण जेहेतु परशुराम होती भृगुवंशीय सी खुशी हो गले मत जन समगोत्रीय शिष्य मिलगले तेणु अकुंठित भाव में परशुराम प्रति कर्ण प्रति गुरु परशुराम श्रद्धा बढ़ला विद्याशिक्षा दे जितेबले से ब्रह्मास्त्र लाभ करने जोदिन मिछ कहले से जो कथा आमर अभिरामजी पंडित कहते जितेबले महासंकट समय तू जेहेतु मत मिछ कहलु तू कौन कलु मत मु तते एते भल पाउथिली तुम शिष्य होई तु मते बिछ कहिलु तो जाति कि तु लुचैछु एवं मु तते मु अभिशाप दउची महासंकट समय रे तु जहा शास्त्र ज्ञान अध्ययन कलु महासंकट समय रे एहा तोर विस्मरण हो। द्वितीय कथा को जीवा जे से दिन लाखपिंधा पर्व होउची अनेक राजन्य मंडली राजसभा को जाइछन्ति राधा चक्र भेद करिवा तले केही राधा चक्र भेद करि परलेनी मंच ऊपर को उठिले दृष्टद्युम्न से समस्त कौरव बा गुरु द्रोणक समस्त जिते कौरव आईने से समस्त को धिक्कार कले कारण से समस्ते जानते पांडव मैंने जतुग्रह पोड़ी हो मरी जा तेणु दृष्टद्युम्न घोषणा कले कले धिग्मंत्र शकुने कुलक्षय कर धिग्भीष्म नृपंच धिक् जदक धा जतुधाग्नि पंडुत नया जी व्यस्त चेत अर्जुन तुमको समस्त दिग् धिग् भीष्म धिग् नृप द्रोणच सपुत्रंच धिक् जदक धा जदि अर्जुन मंत्री था कन्या नच भवे द्रौपदी द्रौपदी आज अविवाहित रही न था मो मन प्रश्न मु घोषणा करुच्ची जी लाख बिंधी सी मो भगिनी द्रौपदी को ग्रहण करतीक बेले कर्ण मंच रु उठे कर्ण उठवा बेले सुतपुत्र को आह्वान कराए किंतु कर्ण जीवाई एक स्वतंत्र भाव में दुर्योधन दुर्योधन द्वारा एक परिकल्पित योजना कर कर्ण को निमंत्रण नाला सुतपुत्र निमंत्रण नाला किंतु द्रौपदी ये स्पष्ट कले न बरयामि अहं सुतं मु सुतपुत्र को वरण करी ना किंतु जेहेतु भाई धृष्टद्युम्न घोषणा करी लाख बिंधि मु द्रौपदी को देवी अतीतरे पुराण रे एमती कथा अच्छी रुक्मिणी बहुत कथा देख भीष्म मन मन चिंता कर कृष्ण भगवान को मो झी देवी कितु ज्येष्ठपुत रुक्म रुक्मण कही मु शिशुपाल को देवी कितु रुक्मिणी निजे भगवान कृष्ण को निकट को पत्र प्रेरित कले स्वइच्छारे से कृष्ण को वरण कले द्रौपदी इच्छा नथिला कर्ण को विवाह करने तेणु से स्पष्ट मना कले मु कर्ण को वरण विवाह करी किंतु ये सब सत्वे से बलराम पचार कृष्ण को कि कर्ण उठिले से निश्चित लाख बिंधिव मोर विश्वास अच्छे विश्व जदि अर्जुन था तो असंभव ही था अर्जुन व्यतिरेक कर्ण ही द्वितीय भागीदार से लाख बिंधि पार कृष्ण हसिले हेल्ले कौन कौन भाई ना हाँ सी लाख बिंधे सी नबनी कन्या द्रौपदी की नहीं मैत्र दुशासन दुर्योधन को दब यह केूर समाज में ग्रहणीय केूर ग्रहणीय आज चंडा ब्राह्मण जाए बल थे बिंध यह शुणी अर्जुन होइले आनंद द्रौपदी पन्नवस्थ नदीओ जेतेबले समस्त योद्धा माने लाख लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारी नाहंती सेतेबले कहा चंडाळु ब्राह्मण जाए बल थिले बिंध किंतु ता पूर्वरु कर्ण दुर्योधन को सहायता देबा पई एवं दुर्योधन ये लाख बिंधिबे एवं दुर्योधन ए कन्या को विवाह करिवे काहेकि ना एक कथा कहिसंति किए ना गुरु द्रोण कहिसंति गुरु द्रोणों ठार एक आरंभ होते द्रोण को दुर्योधन जाए कहीचे आपण ये लाख बिंधि दिंतु द्रोण से मु ये लाख बिंधि ना ये कौन यथार्थ लगुच मोटे तो यथार्थ नुह दुर्योधन कौटी कर्ण परिप्रकाश कर दुर्योधन लाख बिंधापी आउ मन रखु जहाँ पंडित जी कहले पंडित जी कहले बास्तव में आपड़ विचार करतु कर्ण पाखे से सामर्थ्य था कर्ण चाहते लाख बिंधि पारि था किंतु तार उद्देश्य नहीं मोर भाई अर्जुन से सामर्थ्य कारण युद्ध क्षेत्र में आपड़ जानती जिते बड़े कुंती निकट में परिचय प्रकटित हो जा कर्ण तर पुआ हाथ जोड़ी कर्ण कहले माँ तू मो परिचय बड़ भाई कि कहबुनु
ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣେ ସେ ଏତେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ସେ ଚାଲି ଆସିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆଉ ମା ଯଦି ରାଜମୁକୁଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ସେ ରାଜମୁକୁଟ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଦେବି ତେଣୁ ଯାହାର ଏତେ ତ୍ୟାଗ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆବେଗ ଅଛି ଏ କଥାଟା ପରେ ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ପରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପରେ ଜାଣେ ପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମୀକ୍ଷକ ମହାଶୟ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଯଦ୍ୟପି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପତି ତଥାପି ତ କର୍ଣ୍ଣଠାରେ ମୋର ବଳିଥାଏ ମତି ଯଦି ସରଳା ମହାଭାରତ ଭାରତରେ କଥା କୁହାଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶରୀରେ ସମର ସୁର ମନରେ ଭାବୁକ ଧୀର ସ୍ୱଭାବରେ ଦାନବୀର ସୁର କୁମର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଅଗୋଚର ସୁଶୀଳ ସୁଗୁଣାକର ବିଶାଳ ପୁରୁଷାକାର ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଗୁରୁପୟର ଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପରମାର୍ଥ ପରାର୍ଥ ପର ମନରେ ଭାବୁକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତମ ଦାନବୀର ଜାତିଗୋତ୍ର ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଶୀଳ ସୁଗୁଣାକର ଇଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁଖରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ଏକ କର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣର ଚରିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭା ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦୁଃଶାସନ କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ବଳପୂର୍ବକ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଅକସ୍ମାତ ବାହାରି ଆସୁଛି ଏ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ନାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ ୟାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଆଣିବା ବା ନଗ୍ନ କରି ଆଣିବା ଇଏ ପ୍ରାୟ ଏକା କଥା ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ କରି ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହୁଛେ କମେଣ୍ଟ ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ବାକ୍ୟ କହିବା ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଦୁଃଶାସନକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ କ'ଣ କହିବେ ଅଭିରାମଜୀ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚଟା ପତିର ଅଧିକାରୀ ତେଣୁ ତାକୁ ଲଗ୍ନ କରି ଆଣିବାର କିଛି ଦୋଷାବହ ନୁହଁ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗ ଜାଣିପାରିଲାନି ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ବା ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ଜଣକୁ କହିଲ ତା ବାପାକୁ କହିବାକୁ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ମିତ୍ରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ତେଣୁ ଜଣେ ଆତ୍ମେଇବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ବାଧିଥିବ ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବି ଜାଣୁ ତା ପାଇଁ କେହି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟବୋଧ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ମିତ୍ର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ନାହିଁ ତାର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେ ପଞ୍ଚଭୁଜ୍ଞା ହେଲେ ବି ସମାଜରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେତ ନିତ୍ୟ ମହାପାତକ ନାଶକ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅଗ୍ନି ତେଜରୁ ମା କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୁଜ୍ଞାର ଆକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଜଗତେ ତୋହୋ ପରି ବନ୍ଧୁ କାହିଁ ନ ମିଳିଲା ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ନ ପାଇଲେ କାଳେ ଋଷି ପାରୁ ତୁହିଁ
ठाकुर अभिराम परमहंसर उक्त अमर लेखनी मन निस्तृत पदटी हुए कर्ण बंधुर भावावेगरे बंधु प्रति उत्सर्गीकृत मनरे एक कथा द्रौपदी प्रति जो मंतव्य प्रदान किंतु ये मंतव्य ठीक है कारण आमर छजन को आतताई आख्या दि जाए अग्निदौ गरदौश्चैव शस्त्रपाणी धनापह दाराभूमि अपहारिच षढ़ते आततायिन तन्मध्यरु गोटे दारा शब्द अच्छी सेठी ये पंचभग्य हो पारती जहाँ बड़ भाई पंडित कहते से जो पांचजन ना स्मरण कले महापातक नाशन हो अग्नि कन्या जे तेजस कन्या ताकूली आक्षेप कर्ण प्रति ठीक है ना किंतु आर पक्ष कर्ण तंग बंधु भाव आगे कहले कौन से पदटा दुर्योधन को ये खोराक जोगेला जे जोटा कि कुरु सभा तले समस्त गुरु पितामह गुरु मान्य व्यक्ति मान आगे ये दुर्योधन पश्चात भाग देला ना माँ द्रौपदी को व्यवस्था करने दुर्योधन एथेरे कर्ण जो अशालीन मंतव्य खोराक जोगेची निश्चित भाव ना खोराक जोगेची ता पूर्वर धर्मराज युधिष्ठिर कौन जापार नशा खेल केड़े बड़ अपराध पुणी निज स्त्री को बाजी रगे अपराध सी गोटे भिन्न प्रसंग पंडित जी आम सियाड़े आसीपर तेरे कथाटा जो जगार पहुँचला आउ गोटे कथा मो मन को उठला कथाटा हूँ कर्ण तो निजे महायोद्धा तर अनेक प्रकार शस्त्र ज्ञान अच्छी बाड़कटे अभिमन्यु पुणी तार निजर कुशली गुण से सी अभेद्य जो व्यूह रचना कराइला से भेदिक पलि आसी भल भाव जना अच्छी रथी सांगे रथी जड़ब महारथी सांगे महारथी लड़ब अतिरथी सांगे अतिरथी लड़ब किंतु ये सात जन जाक मिसिले पुणी कर्ण तांको सांगे मिसिले मारे अभिमन्यु को पिलाटा को मारे वास्तव में कर्ण मारिबार गोटे महत उद्देश्य अच्छी कौन जानी जेतबेले अभिमन्यु को मिणी मिसी पिलाटा को मारिबे हां अभिमन्यु को जेतबेले अन्य पांच सात जन कजाक मारुचंती कष्ट देई देई मारुचंती सेतबेले कांदु अभिमन्यु अति विपट रे पड़िलानी आखिरो धार धार लुह बहुचि कर्णर देखिदला ये बाळुत कुमर प्राय उज्ज्वलत नुटी तार योद्धा पणे युद्ध क्षेत्रे से आगु सारो कहला ये तो योद्धा वास्तव में योद्धा तेणु वीर दर्पर ताक मारा कहला एमती तिल तिल कर मार कष्टदायक दबा गोटे युद्ध गोटे योद्धा को कर्तव्य नुह तेणु गोटे वीर दर्पर मारा एवं कहला अभिमन्यु को सही कर्ण कही कहले अभिमन्यु रे मु वास्तव योद्धा नुह तो बापा अर्जुन वास्तव योद्धा नुह योद्धा हूँ वास्तव रे तु तेणु वीर गति करवा कर्ण प्रमुख लक्ष्य तेणु एत कष्ट दबा गोटे वीर को कर्तव्य नुह तेणु वीर नीति आदर्श को भग्न कर पांडव मान जो प्रकार आक्रमण करुले तेणु चिंता कला मुझे मारिकी कि भाव आपको वीर गति प्रदान करी कौन कहते ना मुकथा पंडित जी कथार एकमत ये नुह युद्ध पूर्वर गोटे नियम अच्छे अभिमन्यु हुए तो योद्धा ही पारे निद्रित नियस्त्र शरण आगत अबला वृद्ध बाळक एमानंकु बद्ध करिले लागिबो वीर जशरे कळंक एड बड़ वीर कर्ण किंतु अभिमन्यु बाळक बाळक अभिमन्यु को बद्ध करिबा एहा अभिम ए कर्णंकर वीरत्व रे कळंक लागि अभिमन्यु कोण बाळक थिला कौ कौ बयस पर्यंत जणे बाळक हबो कौ कौ बयस पर्यंत तारुण्यता ता भितर प्रकाश दारे शास्त्र कहिसंती अभिमन्यु जदबाळ शास्त्र कहते अभिमन्यु जदबाल मोटे अभिमन्यु बाक हिसाब से छोटिया पिला हिसाब से नहांती जदि अभिमन्यु एत छोटिया पिलाटा ही था चक्रव्यूह भितर प्रवेश कर सामर्थ्य आसला कौठू एवं तार वीर दर्प चेतना जाग्रत होता द्वादशम संवत्सरेण ऊर्ध्वरे ताहा भविष्यति बार वर्ष रु ऊर्ध ही गले शास्त्र कहे भितर युवकत्व आसीज युद्ध करने से प्रस्तुत मत लगुच अभिराम बाबू कथा ठीक ठीक कहीं सी पुणी बहुत करते उत्तरांग गर्भरे कौन कहते ना अभिमन्यु जदबाल आम गोटे श्लोक अच्छी अभिमन्यु बाक को मारवा कौ के दूर ठीक अच्छा श्लोक अच्छे आप महाभारत देख जदबा अभिमन्यु जदबाल से श्लोक टी हूँ तो जदि स्पष्ट मन पड़ूनी कि गोटे श्लोक अच्छी
मारिले एई जो युद्ध रे मारिचंती आज्ञा या अन्याय युद्ध पांडव पुत्र भीमनु सेत धर्म रे थिला सप्तरथि मिसी मारिले धर्म केणी की गोला स्पष्ट भाव रे अन्याय युद्ध रे अभिमन्यु को हत्या करा जाई छी एवं सेति पई प्रमुख दाई होचंती कर्ण जो पूर्व गोटे श्लोक पढ़ुले आमर बेरा महोदय मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनंदेय स्वभिमन्यु रणे हत नियति केन बाध्यते आमे जदि सब कथा को विचार करवा से तो विधाता कथा नियति कथा आड़ पलैब किंतु अभिमन्यु से चौद वर्षर बाक किंतु अभिमन्यु को महारथी बा सप्तरथी तालिका अंतर्भुक्त करतु आतत्या तालिकाभुक्त कर्ण कहीं ना अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणी धनाप क्षेत्र द्वारापहारिते षढ़ते आततायन ये जो अस्त्र व्यवहार करा जाइछि जोठी अस्त्र व्यवहार करिबा उचित नथिला एवं सेइथिपई ये आततायी तालिकाभुक्त जे आततायी हुए कौनसी परिस्थिति तं क्षमा करा जाई पारे ना तेनु एथिपई कर्ण आततायीर गुण गारिमा किछि गान करा जाई पारिबो नाही एई आलोचना ओ निर्जास रे पहुंचि पारे आमे समीक्षक महाशयंग ठारु जानिबा पंडित पद्मनाभ जी महाभारत युद्ध रे अर्जुन कर्ण रथ को शहे हाते घुंचाई देले सर मारिक किंतु कर्ण सर मारे नंदीघोष को हाते घुंचाई देले सेते बेले भगवान श्रीकृष्ण कर्णकर प्रशंसा कले धन्य धन्य वीर कर्ण बोली कहिले अर्जुन मुह सुखी गला कौन मो आगे कर्णकर वीरत्व प्रशंसा करुचंती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण कहले आउ मु युद्ध करिबिन भगवान कृष्ण कहले शुण शुण अर्जुन ये शुण अर्जुन रे कर्णरथ तुलागिरी कर्णरथ तुला परिका तुलार पहाड़ किंतु ये नंदीघोष जोटि 33 कोटी देवता अच्छा साक्षात हनुमान अच्छा ऊर्धरे आउ के ओजन ये वर्णना करी ताकू से घुंचाई दे हाते कर्ण घुंचाई देता वीरत्व को आने निंदा करी से शत्रु हेले तार वीरत्व को प्रशंसा करार अच्छी आदर्श व्यक्तित्व त्याग दयावंत स्थित प्रज्ञ सत्यवादी प्रतिकूल परिस्थिति रे अतुल विक्रम धैर्य संपादी भगवान श्रीकृष्ण भी प्रशंसा करिछन्ति किंतु जेहेतु सी रहिथिले पापी मानक संगरे जेहेतु रहिथिले कुसंगरे तेणु तांकर परिणाम ताकु भोगिबाक पड़ला शेषरे माँ माने बापा माने आम कान सब शुणी आसी दान वीर कर्ण कथा कर्ण दुर्योधन कृपारु हुए तो अंगराज्यर राजा होती पाख को अमाप संपत्ति आसी किंतु से केबे हेले कौनसी दुस्थिति रे थिबा व्यक्ति को साहाज्य करने को पछघुंचा देना एपरिकी समय आसी जहाँ अमृत तुल्य निजर कवच आ कुंडल ताकू से निज हाथ में काटी निज शरीर अलगा करी दान कर तेणु कर्ण को चरित्र निश्चित एक महत चरित्र यह कथा को दृष्टि देखती गोपाल कृष्ण सर्वशेष कहे कर्ण को चरित्र महत किंतु जेहेतु व्यक्तित्व से परिचय दे सत जन्म भगवान सूर्यंकर औरसजा संतान जन्मरु एभली उदाने तेजदीप्त संतान भाव से संसार को आसिले एवं जेदिन अधिरथ पाइले नदी कूल से मंजूषा से पुओ को देखि से आत्महरा हो गले एवं से जो पुओर शरीर तेज से कर्णंकर बाल्य नाम थिला पिला बेलर नाम दिया जायतिला बसुसेण बसुर अर्थ आज्ञा सुवर्ण सुवर्ण प्रतिम से शरीर तेणु कर्णंकर पिलार नाम पिला बेलर नाम थिला बसुसेण परवर्ती समय रे एभली जणे सूर्यंक पुत्र ही मध्य सामाजिक स्वीकृति मिलेनि काहेकि ना जेहेतु से अन्यायर सपक्ष रहिले भाग्य तांकु कोनोसी परिस्थिति रे साथ देलानि से अनेक गुणर अधिकारी अनेक सामर्थ्यवंत बहुवंत युवक किंतु भाग्य एथिपई साथ देलानि एवं से भाग्यवान नुहंती एहा कह जाई पारे कारण कुहा जाइछि से दिन द्रोणों पाखे विद्या शिक्षा करवा बेले धनुर्विद्या प्रदर्शित करुछन्ति परीक्षा दौंस अकस्मात गोटे धनुर तीर से गोटे ब्राह्मण गाईर देह रे विद्ध होला एवं गाईटी घटनास्थल रे मरिगला ब्राह्मण से अभिशाप देले तमे अहंकार वशवर्ती मनोइच्छा बाण प्रयोग कल मु अभिशाप दौची तुमर जिते बड़े समय क्रम उपयुक्त समय तुम रथ चक मेदिनी ग्रास कर
ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଥରେ ବିପ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ଣ୍ଣିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇନି, ଏଇଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? କର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ଦାନବୀର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାନୀ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ମାଗି ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ମାୟାରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଇପାରିବ କି ଦାନ ହେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜନ। କହିଲେ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେଇପାରିବୁ, ମାଗୁଛି ଦାନ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବି? ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଧାତୁ ଜାତୀୟ ଦାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତକୁ ଓପାଡ଼ିକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦାନ୍ତ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମରିବି ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକୁ ଦ୍ରୋହୀ ଭିତର ଦ୍ରୋହୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ହବ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଅ, ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟର ତିଲକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ଜଣେ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସତତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯଦି ପାପ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମନ, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣରୁ ସେ କେବେ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶେଷନିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ମହାଭାରତୀୟ କାହାଣୀ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଯେଉଁ ଦାନର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଶୁଣାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଦାନ କଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ମାରିବିନି, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯଦି ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ମଲେ ପାଞ୍ଚ, ନହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମଲେ ପାଞ୍ଚ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ମାତୃତ୍ୱ ମମତା ଦେଖାଇ ଦେଲା, ନୀଳବାଣ ଭୁଜ ବାଣକୁ ନେଲା, ସେବେଳେ ଦେଲି ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମାତା ବୋଲାଇଛ ଜେଣୁ ଷଷ୍ଠେ ନାହିଁ ଅଧିକାର। କବି ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ବହି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଦଶ ଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା ପରେ, ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କାଳେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀଳବାଣ ଆଉ ଭୁଜବାଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ମା କୁନ୍ତିଙ୍କି ସେଠାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣେ ମା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯାହା ପାଖରେ ମାତୃତ୍ୱ ଥାଏ, ମା ସିନା ତାର ବୁକୁର ରକତ ଦେଇ ତା ସନ୍ତାନେ କରାଏ ତୃପତ, ମା ଝାଡ଼ି ଦେହ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଧୂଳି, ମା ସହେ କେତେ ଅଳି ଅରଦଳି। ପିଲାକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଝେଇଦେବ ସେ ହେଉଛି ତାର ମା। ସେଇ ମା ମନ ନେଇ ସେଦିନ କୁନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ରେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସେଇ ମା, ମୁଁ ହୁଏତ ତୋ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ, ତୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ଆଦରି ନେଉଛି, ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲାଇଛ ଜେଣୁ ଷଷ୍ଠେ ନାହିଁ ଅଧିକାର, ତୁମେ ଜେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅର ଜନନୀ ହେଇଛ, ଷଷ୍ଠକୁ ମୋର କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଯଦି ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ରହିବେ, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ବି ପାଞ୍ଚ ରହିବେ, କର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଏକଥାରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି କିପରି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମୋହନୀୟ, କାରଣ ସହନଶୀଳତା କୃତଜ୍ଞତା ତଥା ଆଦର୍ଶ ମିତ୍ରତା ତାର
परोपकारिता गुणे महानता कर्ण महादान वीर से सिना कुसंगी संगरे संग हो जाइछि कर्ण वचनबद्ध होती का सहित दुर्योधन सहित मित्रता रे से मित्रता पास रे आबद्ध मित्र भूल कले समर्थन जनाउथिले कर्ण किंतु निजे निजर आत्मक्षेम पाई से अनेक धर्ममय कर्म करूथिले निजे केबे अधर्म आड़ को पाद बढ़िया को इच्छा करूनथिले जहाबा करिसंती केवल कुमित्र पाई दुर्योधन कर्ण को पाई कुमित्र आउ कर्ण दुर्योधन को पाई सुमित्र समय निर्देश आज पाई कार्यक्रम एठी विश्राम नेबे किंतु कर्ण को चरित्र प्रकृत रे अनन्य आउ असाधारण कारण विपरीत परिस्थिति रे जन्म हो निज पाखरे सकल प्रकार दक्षता थाई मध्य निज को प्रतिष्ठा न करि पारि समाज भितरे छटपट होउथिबा मनीषटाए किति विविध जंत्रणा दे गति करिछि तार जीवनर शैली आउ शेषरे अनेक किछि हरैछि अनेक किछि पाइछि अनेक निंदा अनेक बाजणा अनेक प्रशंसा मूल्यायन आपण माने करिवे कर्णक जीवन चरित्र पढ़ंतु जानंतु कर्ण को आउ टिके निकटरु बुझिबा को चेष्टा करंतु प्रार्थना तरकालंकर कार्यक्रम रे कर्णक चरित्र मूल्यायन आपण मानंकर महत चिंताधारा रे छाड़ी मु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।